पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ताजा खुलासे में पता चला है कि अर्पिता के नाम 31 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और इन सब में नॉमिनी पार्थ चटर्जी हैं। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि अर्पिता की 31 जीवन बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी के तौर पर पार्थ चटर्जी का नाम दर्ज है। वहीं अर्पिता की कंपनियों को लेकर भी एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल अर्पिता मुखर्जी के एक ऐसे बिजनेस पार्टनर का पता चला है जो कि वैसे तो 3 फर्म में अर्पिता के साथ डायरेक्टर था, लेकिन असल जिंदगी में वो एक कैब ड्राइवर है। इतना ही नहीं, रिश्ते में वो अर्पिता का जीजा लगता है। इस शख्स का नाम कल्याण धार है। कल्याण अर्पिता के साथ 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे। ये ऐसी कंपनियां थीं जो कि कागजों के हिसाब से करोड़ों का कारोबार कर रही थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद इन कंपनियों का नाम सामने आया था। इसमें कल्याण को डायरेक्टर थे। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण भले ही कागजों में करोड़पति दिखाए गए हों, लेकिन असल में वो एक कैब ड्राइवर हैं जिनके पास खुद की मोटरसाइकिल भी नहीं है। अर्पिता और कल्याण 3 फर्म में डायरेक्टर हैं। इसमें पहली सिम्बोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी इच्छी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सिम्बोसिस कंपनी विभिन्न प्रकार के सामानों का थोक में व्यापार करती है। इसमें कल्याण धार को 1 जुलाई 2021 में इस कंपनी में सह डायरेक्टर बनाया गया था, जबकि सेंट्री में अर्पिता 9 नवंबर 2011 को इसकी डायरेक्टर बनी थी। फिर 2018 में कल्याण को इसका डायरेक्टर बनाया गया। कागजों के मुताबिक यह कंपनी खास तरह की मशीनरी बनाती है। इच्छी में अर्पिता 29 अक्टूबर 2014 को इसकी डायरेक्टर बनी थी। खबरों के अनुसार कल्याण धार कोलकाता के एक छोटे से घर में रहते हैं। ईडी के छापों के बाद वो इतना डर गए कि परिवार समेत घर में ही बंद रहते हैं। वहीं कल्याण धार के बचपन के दोस्त संजय पोद्दार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि धार की पत्नी कोई और नहीं अर्पिता मुखर्जी की बहन है, मतलब धार अर्पिता के जीजा हुए। वहीं धार की पत्नी के बारे में पूछने पर संजय ने कहा कि वो एक स्कूल में ग्रुप डी की कर्मचारी हैं, वो वहां 2 साल से काम करती हैं। साथ ही अभी पता चला है कि अर्पिता की बहन को भी शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत ही नौकरी दिलाई गई थी। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी के कागज के मुताबिक अर्पिता और पार्थ का संबंध काफी पुराना है। इससे पहले ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैटों से करीब 50 करोड़ रुपए बरामद किए थे, लेकिन पार्थ और अर्पिता दोनों का दावा है कि पैसा उनका नहीं है। जांच के दौरान ईडी ने पार्थ और अर्पिता के नाम से संगठनों के कई घरों और कार्यालयों की तलाशी ली और कई दस्तावेज बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।